कांग्रेस ने कहा मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज के कारण प्रदेश के हर नागरिक पर 50,000 का कर्जा है। सरकार के बार बार कर्ज लेने के खिलाफ कांग्रेस ने सड़कों पर एक अनोखा प्रदर्शन करते हुए कर्ज के लड्डू बांटे। भोपाल में कांग्रेसियों ने लोगों को कर्ज के लड्डू बांटे। कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के नेतृत्व में प्रभात चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा प्रदेश की भाजपा सरकार ने बाजार से 5,000 करोड़ रुपए का फिर से कर्ज लिया है। इस वित्त वर्ष में ही 10,000 करोड़ का कर्जा ले लिया गया है। प्रदेश सरकार पर अब लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसलिए प्रभात चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए लोगों को कर्ज के लड्डू खिलाए। उन्होंने कहा प्रदेश पर कर्ज की स्थिति यह है कि राज्य के कुल बजट से ज्यादा राज्य पर कर्ज चढ़ चुका है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।